सर, अनिल नैन मेरा नाम है। HR56B777 मेरा गाड़ी नंबर है और मैं 14/7/22 को रायगढ़ से लोड लेकर पानीपत रिफाइनरी के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही 19/7/22 को मैं कुंडली बॉर्डर के पास मुरथल पहुंचा तो रात में 12:30-1 बजे के टाइम में पंजाब हिमाचल वैष्णो ढाबा जो गुरु नानक कॉलेज के सामने है मुरथल के पास टोल टैक्स से 1.5 किलोमीटर पहले, वहाँ मैंने गाड़ी होटल में लगाई तो चौकीदार ने मना कर दिया, उस्ताद लंबी गाड़ी है यहाँ छोटी गाड़ियाँ लगती है। सर्विस रोड पे होटल के सामने उसने गाड़ी लगवा दी मेरी। मैं खाना खा के सो गया। सुबह 5:30 बजे चोर आए और मेरी गाड़ी से बैटरी निकालने लग गए। जैसे ही उन्होंने बैटरी खोली, अंदर कैबिन का पंखा बंद हुआ तो मेरे को जाग आई और मैं एकदम उठा तो मैंने देखा कि गाड़ी की बैटरी चोरी हो रही है। मैंने एकदम से खिड़की खोली और नीचे उतरा, तब तक वो दोनों बैटरी निकाल गए। चार बंदे थे, दिल्ली नंबर की कार थी सेंट उनके पास। जस्ट उन्होंने बैटरी गाड़ी में डाली सेकंडों के हिसाब से और भाग गए। तब मैंने ढाबे वाले से भी संपर्क किया, उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बोलते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी आपकी, हम तो पहले बोलते हैं कि यहाँ गाड़ी मत रोको। और मैंने पुलिस से भी संपर्क किया, पुलिस ने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और सर, यहाँ पर कुंडली बॉर्डर से लेके और राजपुरा अम्बाड़ा तक ही बहुत क्राइम होता है। हाईवे के ऊपर गाड़ियाँ लूट ली जाती, चलती गाड़ियाँ भी लूट ली जाती है। हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस इस पे कोई खास ध्यान नहीं दे रही। आपसे ट्रांसपोर्ट टीवी से रिक्वेस्ट है कि सरकार से निवेदन किया जाए और गाड़ी वालों की हेल्प की जाए ताकि भविष्य में किसी ड्राइवर भाई को परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। थैंक यू। और गड्डी लेके उस्ताद जी, हाँ जी, नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी, उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा, वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर, अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।